नाज़रीन और सामीन, मरकज़ तौहीद सुन्नत नज़्द शेल पम्प 12 रबीउल अव्वल को एक फ़कीदुल मिसाल और अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद आपके दिलों में महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाना और आपके ईमान को मजबूत करना है। ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई तज़क्को एहतिशाम के साथ सुबह 9 बजे से शुरू होगी और इसमें मुल्क की नामवर दीनी और इल्मी शख्सियात शिरकत करेंगी, जिनमें हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अताउल्ला बंदयालवी साहब, हज़रत मौलाना अहमद शुएब खान साहेब, हज़रत मौलाना तारिक अज़ीज़ बाजवा साहेब, प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती खलीक उर रहमान साहब और दीगर काबिल एहतराम उलमा शामिल हैं। शजर टीवी की जानिब से आपको दावत दी जाती है कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत फरमा कर ना सिर्फ अपने ईमान को ताज़ा करें बल्कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनोखे पहलुओं से भी मुस्तफीद हों। इस कॉन्फ्रेंस में इल्मी और रूहानी नशस्तें होंगी जहां उलमाए कराम के खिताब दिलों को मुनव्वर करेंगे, साथ ही साथ शोराए इस्लाम कारी जमशेद मुआविया साहेब और शायरे इनकलाब जवेद राज साहेब अपने मुनफरिद कलाम से आपके दिलों को जज्बात से लबरेज कर देंगे। ये यादगार कॉन्फ्रेंस 12 रबीउल अव्वल को मुनक्किद हो रही है और इसमें शिरकत करने से आप अपने ईमान को तकवीयत बख्श सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद बैतुल इज़्ज़त में मुनक्किद होने जा रही है। इस प्रोग्राम में खुसूसी खिताब फरमाएंगे हज़रत मौलाना कारी कलीम उल्लाह खान मुल्तानी साहेब, हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया फारूकी साहेब और दीगर मुमताज़ उलमाए कराम। इस अज़ीम शान इज्तिमा में शिरकत फरमाकर अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और ईमान की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर करें। इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ उलमाए कराम और शोराए इस्लाम की शिरकत होगी बल्कि सियासी, समाजी और सहाफ़ी बिरादरी भी भरपूर शिरकत करेगी ताकि इस मुकद्दस महफिल को कामयाब बनाया जा सके। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।